ठीक है, अभी स्टार्ट कर दी। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप मेरी वॉइस सभी को क्लियर आ रही होगी। आई एम सत्यम यादव, फैकल्टी मेंबर एट वीआईटी कानपुर, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम 5G टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या होता है 5G, कैसे जो है ये वर्क करता है, कैसे ये 4G से बेहतर है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब ये आएगा मार्केट में या हम लोग जब यूज़ करेंगे तो इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्या क्या चीज़ें हम लोग देखेंगे, तो आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग पूरा डिटेल ओवरव्यू क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है 5G के अंतर्गत, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड कुछ लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं 5G से रिलेटेड, तो उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। अभी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस चल रहा है क्वालकॉम का, आज 19 मई और 20 मई को दोनों दिन ही जो है कॉन्फ्रेंस चल रहा है कि ओवरऑल ग्लोबली कैसे 5G को कनेक्ट किया जाए। तो इसमें एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आज निकल के आई है कि एयरटेल और क्वालकॉम जो है वो दोनों पार्टिसिपेट करेंगे एक साथ टेस्टिंग के लिए इंडिया में। एयरटेल ऑलरेडी जो है वो टेस्टिंग अपनी स्टार्ट कर चुका है 5G से रिलेटेड, इंडिया में जो है वो टेस्टिंग मुंबई में कर रहा है, कई सारे जो है बड़ी सिटीज़ हैं जिसमें टेस्टिंग चल रही है। तो ओवरऑल जो हमारा लेक्चर है आज का उसमें हम लोग देखेंगे आज की 5G टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया में कब तक आ पाए, क्या क्या टेस्टिंग चल रही है, क्या क्या सिनेरियो हैं जो आगे जो है हम लोग इसको यूज़ कर पाएंगे। तो 5G कैसे हम लोग जब ये आ जाएगा तो कैसे एक टोटल इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट जो है कैसे हम बेटर स्पीड में जो है इंटरनेट का यूज़ कर पाएंगे, कैसे हम जो है लो लेटेंसी में जो है वो इंटरनेट का यूज़ कर पाएंगे, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह कर पाएंगे, और ज़्यादा इसका जो मैसिव यूज़ है 5G टेक्नोलॉजी का, मैसिव यूज़ हम लोग जो है वो IoT जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं वो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटी हमें मिलेगी 5G के माध्यम से। तो ओवरऑल जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल है ये टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जो है जानने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी PPT शेयर करता हूँ सर। PPT जो है वो स्क्रीन शेयर के लिए डिसेबल्ड है अभी। रेहान सर इनेबल कर दिया आपका। ओके तो 5G टेक्नोलॉजी के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक स्मॉल ओवरव्यू मैं आपको देना चाहूँगा कि क्या क्या हम लोग जो है इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो जनरली ये जो प्रेजेंटेशन है ये लगभग 40 से 50 मिनट्स का है, इसमें जो है हम लोग तीन पार्ट में इसको कवर करेंगे। फर्स्ट जो है हमारा बेसिक हम लोग देखेंगे कि क्या ओवरव्यू है, हिस्ट्री क्या है सेलुलर सिस्टम की, एंड कौन इसको डिफाइन करता है, कौन कौन सी ऐसी बॉडी है जो 5G और ये जनरेशन को डिफाइन करती हैं, ये हमारा जो है फर्स्ट पार्ट होगा। सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा ये 5G टेक्नोलॉजी जो है कौन कौन सी इसमें जो है नई टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है। नई टेक्नोलॉजी आई होप सभी को स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही होगी। PPT इज विजिबल सर? यस। तो सेकेंड पार्ट जो है इसका, इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जो है वो चीज़ें जो है वो 5G बेटर करता है 4G से, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑन सेलुलर सिस्टम, एक सेलुलर सिस्टम का स्मॉल इंट्रोडक्शन जो है वो है, वो मैं बताऊंगा उसमें कि कैसे 4G 5G बेटर देन, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ हो रही है 5G के अंतर्गत, इसे भी हम लोग जो है देखेंगे इस PPT के इस लेक्चर में। एंड लास्ट पार्ट जो है इस लेक्चर का उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्या क्या जो है इंडिया में कैसे टेस्टिंग चल रही है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या इनोवेशन चल रहा है, कौन कौन से लैब इस्टेब्लिश हो रही हैं, क्यों जो है ज़रूरी है इंडिया में 5G, और कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो है रिस्पॉन्सिबल हैं इंडिया में जो है 5G लॉन्च करने, कब तक आ पाएगा,
इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोग टेकअप करेंगे 5G से रिलेटेड, जो कि मैंने जो है आज कॉन्फ्रेंस चल रही है क्वालकॉम की आज 19 मई और 20 मई को, उसमें जो है कुछ चीज़ें निकल के आई हैं कि एयरटेल और क्वालकॉम जो है वो मिल के जो है 5G की टेस्टिंग करेंगे इंडिया में। तो आई होप सो कि नेक्स्ट जो है 2022 तक हम लोगों को जो है 5G यूज मिल जाएगा। तो बिफोर स्टडिंग द सेल्यूलर सिस्टम वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन है ये एक्चुअली में है क्या। तो पहले जो अगर मैं 1980 से पहले की बात करूं तो जीरो सेल्यूलर सिस्टम जो है वो काम करता था, जैसे हम लोग का टेलीफोनिक नेटवर्क होता था, काफ़ी दिनों तक चला टेलीफोनिक नेटवर्क लाइक जो आप लोग घरों में यूज करते थे। तो 1980 से पहले जो है हम लोग जो भी कनेक्शन हम लोग का कम्युनिकेशन होता था वो वायर्ड कम्युनिकेशन, वायर के थ्रू हम लोग कनेक्ट रहते थे, जिसमें हम लोगों को मोबिलिटी जो है वो बहुत कम मिलती थी। अगर हमारे पास फोन आता है तो हमें जो है उसे जाके रिसीव करना। लेकिन वायरलेस कम्युनिकेशन है 1G स्टैंड्स फॉर फर्स्ट जनरेशन सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो फर्स्ट जनरेशन सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन जो है ये 1980 के आसपास आया। इसमें जो है कुछ हमें नई टेक्नोलॉजीज यूज की जिससे हम लोग जो है मोबाइल के थ्रू वायर फ्री हम लोग हो गए। वायरलेस का मतलब हो गया हम लोग वायर फ्री हो गए, वायर फ्री कम्युनिकेशन हुआ इन 1G सेलुलर टेक्नोलॉजी में। इसमें मेनली एक या दो ही चीज़ें जो हैं वो हो पाती थी, पॉसिबल हो पाती थी। इसमें केवल वॉइस जो है आप भेज सकते थे, ट्रांसमिट कर सकते थे, केवल वॉइस का ट्रांसमिशन होता था, वॉइस आप केवल ट्रांसमिट कर पाते थे। और ये जो टोटल जो सिस्टम था वो एनालॉग बेस्ड सिस्टम था। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी दैट इज कॉल्ड एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम्स AMPS नॉर्डिक मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी। जितनी भी टेक्नोलॉजी यहाँ पे मैंने लिखी हुई है ये टोटल एनालॉग बेस्ड है। एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे इसमें फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग का यूज होता था, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज होता था, फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज होता था। एंड इसका जो फ्रिक्वेंसी बैंड था वो 30 kHz का था। एंड इसके कुछ डीमेरिट्स भी थे, इसके कुछ जो है लिमिटेशंस थे फर्स्ट जनरेशन, जैसे इसमें हम केवल एनालॉग कम्युनिकेशन कर सकते थे, केवल वॉइस ट्रांसमिट कर सकते थे। हम लोगों में इतनी फैसिलिटी हमारे पास नहीं रहती थी कि हम जो है इसमें मैसेज भेज सके या पिक्चर भेज सके। तो इन सारी फैसिलिटी को कम ओवरकम करने के लिए हमने जो है 1990 में 2G सेलुलर सिस्टम वर्ल्ड वाइड लॉन्च ग्लोबली जो है वर्ल्ड वाइड 2G सेलुलर सिस्टम 1990 में लॉन्च हुआ। हम लोगों को इंडिया में लगभग 1995 के आसपास मिला। इसमें जो डोमिनेंट टेक्नोलॉजी थी वो GSM टेक्नोलॉजी हम लोगों ने यूज की। GSM स्टैंड फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। एंड डिजिटल फर्स्ट टाइम जो है 2G सेलुलर सिस्टम में डिजिटल सिग्नल्स का इंट्रोड्यूस हुआ। डिजिटल सिग्नल्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए एंड हम लोग जो है इसमें 2G में जो है मैसेज से लेके MMS तक जो है भेजने की फैसिलिटी हमें मिली। तो टेक्स्ट मैसेज इसमें भेज सकते थे, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस थे कि 500 वर्ड्स तक ही आप भेज सकते हैं। इसके बाद आप कोई स्मॉल जो है वो पिक्चर आप भेज सकते हैं जो कि टोटल जो है वो ब्लैक एंड वाइट ही हुआ करती थी। तो इसमें भी ज़्यादा फैसिलिटी हमें नहीं मिली। टेक्स्ट मैसेज अगर आप काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर देते थे तो वो दो पार्ट में जाता था। चार्जेस भी इसके काफ़ी महंगे थे, काफ़ी ज़्यादा हम लोग ऑपरेटर को जो है वो पे करते थे कॉल के लिए जो है मैसेज भेजने के लिए भी। फिर इंट्रोड्यूस हुआ 2.5G, दिस इज कम्स अंडर 3G सेलुलर सिस्टम। इसमें जो है कुछ नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हुई जैसे GPRS, CDMA, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज, पोर्ट डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एंड एच। तो जब आपने 3G मोबाइल फ़ोन यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल फ़ोन पे E+ और G+ बन के आता था। जब E+ बन के आता था तो काफ़ी तेज नेट चलता था। तो GPRS सिस्टम इंट्रोड्यूस होने की वजह से जो है आप 2G मोबाइल फ़ोन्स में जो है आप इंटरनेट जो है वो ब्राउज कर पाते थे। और ये भी काफ़ी जो है इसकी स्पीड वगैरह काफ़ी स्लो रहती थी। तो इसके अलावा जो है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च हुआ सन 2000 में। इन 2000 जो है 3G टेक्नोलॉजी जो है इंट्रोड्यूस, इसका जो मेन फोकस था
इसका जो मेन फोकस था वो हाई स्पीड कनेक्टिविटी है। हाई स्पीड कनेक्टिविटी हमने CDMA टेक्नोलॉजी को ही और नेक्स्ट लेवल पे ले गए, एक्सटेंड किया, और हमने इसमें वाइड CDMA टेक्नोलॉजी यूज, वाइड CDMA प्लस HSPA टेक्निक भी हमने इसमें यूज किया। एंड इसमें फर्स्ट टाइम जो है वो ग्लोबल रोमिंग इंट्रोड्यूस है, मीन्स कि अगर आप पहले जो मोबाइल फोन थे GSM पे वो एक ही कंट्री में आप बात कर सकते थे, बट जब 3G लॉन्च हुआ तो इसमें आप जो है ग्लोबल रोमिंग स्टार्ट कर सकते थे, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी बात कर सकते थे विद ऑपरेटर को कुछ रोमिंग चार्जेस पे करने। नियरली अबाउट इन 2000 जो है, अगर 3G आने के बाद थोड़ा स्पीड बढ़ने के बाद जो है स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस होने लगे, एप्स वगैरह लॉन्च होने लगे, TV एंड वीडियो स्ट्रीमिंग स्टार्ट हुई, यही वो टाइम था जब YouTube स्टार्ट हुआ था और लोग YouTube पे अपना वीडियो अपलोड करना और ये सारी चीज़ें जो है वो करना स्टार्ट। तो 3G सेल्युलर सिस्टम जो है ये भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम था जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो नई हुई, जैसे ग्लोबल रोमिंग स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट जनरेशन की बात करें तो 3G के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है वो 4G है। 4G आप सभी लोगों को मालूम है, 4G जो है वो यूज कर रहे हैं इस समय हम लोग। मेन टेक्नोलॉजी जो 4G में यूज हो रही है दैट इज LTE, वोल्ट एंड वाई मैक्स। फर्स्टली वाई मैक्स जो है वो 4G सेलुलर सिस्टम को डिजाइन किया था। इसमें जो स्पीड है वो लगभग जो है 10 Mbps तक की मैक्सिमम स्पीड हमें मिल जाती है। हाई स्पीड की अगर बात करें, मैक्सिमम स्पीड की अगर बात करें तो 1 Gbps तक की स्पीड हमें 4G सेलुलर सिस्टम में मिल जाए। सबसे पहले जो है 4G में जो है मल्टीमीडिया मोबाइल फ़ोन इंट्रोड्यूस हुए। मल्टीमीडिया मोबाइल फ़ोन इंट्रोड्यूस होने की वजह से इसमें जो है वीडियो चैट का ऑप्शन आए, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। और अभी हम लोग जो है वो कनेक्टेड हैं जो है 4G मोबाइल के माध्यम से ही, 4G कनेक्टिविटी के माध्यम से ही हम लोग कनेक्टेड हैं। और 4G के आने से जो है अगर हम देखें तो यहीं से इंट्रोडक्शन हुआ इंटरनेट ऑफ, मतलब हम अपने चीज़ों को जो है वो स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर बात करें लिमिटेशंस की 4G की, तो अगर आप बहुत सारे कनेक्शन आप अगर कर लेते हैं, बहुत सारे कनेक्शन अगर आप कर देते हैं 4G के माध्यम से, तो इस नेटवर्क पे भी काफ़ी लोड पड़ेगा। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि सपोज आप कोई भी चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड चाहते हैं, अपने स्मार्टफोन से कनेक्शन चाहते हैं, तो अभी जो हमारे पास जो फैसिलिटी है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, वो हम वाईफाई के थ्रू जो है हम कुछ डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे अपना लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीविजन कनेक्ट कर सकते हैं। और इसकी कोई लिमिटेड रेंज है, मतलब 10 मीटर है, 100 मीटर है, 50 मीटर है, लिमिटेड रेंज में हम जो है डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना जिस भी मोबाइल फोन से चीज़ें कनेक्टेड, अगर उसे आप उस डिस्टेंस से दूर लेके चले जाते हैं, तो आपको जो है फिर कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, वो डिसकनेक्ट हो जाता है। तो इसके लिमिटेशंस हैं कि 4G में हम बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट तो कर सकते हैं एक दूसरे से, बट उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। लेकिन अगर हम ये चाहें कि हमारा जो भी होम अप्लायंसेस हैं या जो भी IoT डिवाइसेस हैं, ये IoT डिवाइसेस जो हैं ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो जाएं, तो हमें एक हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। और हाई स्पीड इंटरनेट के लिए जो है काफ़ी कैपेसिटी भी उसको चाहिए, कि यूज़र की कैपेसिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा हो, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो। तो इन सब लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए 5G सेलुलर सिस्टम लॉन्च, ये जितने भी एवोल्यूशन हुए अगर आप देखें, जैसा कि मैंने बताया कि कब हुए, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, इसके लिए मैंने जो है एक अलग से स्लाइड बनाई है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कब कब इवोल्यूशन हुआ, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई। तो इसमें अगर हम देखें तो 2G 3G 4G एंड 5G ये टेक्नोलॉजीज जो हैं वो यूज हो रही हैं, जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, इनका किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है। 2G स्टैंड फॉर सेकेंड जनरेशन मोबाइल सिस्टम, इसमें हम GSM टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं। 3G stands for CDMA, that is 4 division multiple access. 4G is fourth generation mobile system. इसमें जो technology use हुई है, that technology is known as OFDM and MIMO.
And this MIMO system is called multiple input, multiple output, and OFDM is mainly known as orthogonal frequency division multiplex. I hope electrical or electronics के जो student हैं उनको पता होगा what is the OFDM. OFDM is advanced version of frequency division multiplexing, a smart way of implementation of frequency division multiplexing. Now in 5G same technology use होती है, 5G में भी जो 4G में technology use होती है, but in a smart way. OFDM use होता है, orthogonal frequency division multiplexing use होती है, और massive MIMO, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट टेक्नोलॉजी यूज होती है. स्पीड की अगर हम बात करें तो 2G में हमें 10 kbps की स्पीड मिलती थी, 3G में हमें 20 mbps की स्पीड मिलने लगी, 4G की बात करें तो मैक्सिमम स्पीड की बात करें, जनरली आप लोग सभी लोग 4G यूज करते हैं, सभी को मालूम है कितना स्पीड हमें मिलता है, तो अराउंड 20 से 1000 यानी 1 GBPS तक की स्पीड हमें 4G जो है प्रोवाइड करता था, मैक्सिमम क्राइटेरिया है. 5G में ये थिंक किया जा रहा है कि इट मे बी इट्स स्पीड इज ग्रेटर देन 10 GBPS. तो स्पीड अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा होगी तो हम वर्क भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे. नेक्स्ट जो स्लाइड्स में है उसमें अगर हम देखें तो उसमें कौन कौन से कंट्री हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं 5G 4G 3G इन जनरेशन के डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट के लिए. तो 2G जनरली जो है वो यूरोपियन कंट्रीज को जाता है. यूरोपियन कंट्रीज में लगभग 27-28 कंट्रीज हैं, जिसमें मेजर जो कंट्रीज हैं वो फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, जर्मनी है, यूके है. ये काफ़ी जो है वर्क कर रही हैं टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में. तो 2G जो है इन्हीं कंट्रीज के डेवलपमेंट की वजह से हमें मिला GSM टेक्नोलॉजी. 3G स्टार्ट्स इन USA एंड इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया डेवलपमेंट ऑफ 3G. 4G फर्स्ट कमर्शियली लॉन्च इन फिनलैंड इन 2009, और वर्ल्ड वाइड जो है ये कमर्शलाइज हुआ इन 2010. और 5G के लिए अभी जो बताया जा रहा है कि साउथ कोरिया जो है वो कमर्शियली लॉन्च 5G इस कंट्री. तो टोटल साउथ कोरिया जो है वो 5G जो है वो चल रहा है, पर सभी जगह पे नहीं है. अभी डिप्लॉयमेंट चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, बट हाँ अनाउंस कर दिया है कि कमर्शियली जो है उसने 5G लॉन्च कर दिया है. यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो है वो कहीं कहीं दुबई में भी 5G चल रहा है कुछ मेजर सिटीज में. तो और इंडिया भी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, चाइना भी पार्टिसिपेट कर रहा है कि हम अपना इंडिजिनस 5G टेक्नोलॉजी डेवलप. IIT कानपुर, IIT मुंबई, IIT हैदराबाद और भी कई सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो स्टार्ट कर रही है कि हम अपना इंडिजिनस 5G नेटवर्क डेवलप कर सकें. इंडिया में कब आए ये सब टेक्नोलॉजी, ये ईयर आपके लिखे हुए हैं. इंडिया की अगर बात करें तो 1991 में 2G आ गया था वर्ल्ड वाइड, बट 1995 में हमें मिला. 2000 में 3G आ गया था, पर 2010 में हम लोग 3G सिग्नल से यूज करना स्टार्ट किए. अगर हम बात करते हैं 4G की, तो 4G हम लोग को 2015 में और 2016 के एंड में जो है टोटली सभी को मालूम है कब जो है जियो लॉन्च हुआ था, कब 4G लॉन्च हुआ था, सभी लोग यूज़ कर रहे थे. सिमिलरली 5G की अगर बात करें तो मे भी जो है एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि 2030 तक आ जाएगा, बट देखते हैं कब तक आता है. 2020-21 टेस्टिंग जो है वो चल रही है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो चीज़ें चल रही हैं. तो दिस इज ओवरऑल व्यू ऑफ दिस जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन, कब कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हुई है और कौन कौन से ईयर में ये इंट्रोड्यूस हुए हैं. नेक्स्ट थिंग आती है कि इन जनरेशन को डिफाइन कौन करता है, कौन है जो जो है नाम देता है इनको कि ये सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी है. ऐसे कौन से क्राइटेरियाज होते हैं जिससे हम जान सकते हैं कि ये 3G है, ये 2G है, ये 4G है. ऐसे क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, या कौन से ऐसे जो है बॉडी हैं, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो है ये बताते हैं कि ये फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी है, ये 4G है, ये 3G है. तो कौन डिफाइन करता है, हु डिफाइंस दिस जनरेशन, हु डिफाइंस दिस फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजीज. ITU स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन. ये एक UN बॉडी है, UN की एजेंसी है, और ये एस्टेब्लिश हुई थी 1865. मीन्स आज से 155 साल पहले, लगभग 155 साल पहले ये बॉडी इस्टेब्लिश हुई थी.
इसके बहुत सारे काम है, कुछ वर्क जो है मैंने इम्पोर्टेंट वर्क जो है इस बॉडी के मैंने लिखे हुए हैं. यस इट इज एन यूएन एजेंसी. यूएन एजेंसी मींस इट्स हैव सम मेंबर्स. तो इंडिया इज द मेंबर ऑफ आईटीयू. इंडिया जो है वो आईटीयू का मेंबर है. ऐसे बहुत जितनी भी कंट्रीज हैं, ऑल कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ दिस आईटीयू. अराउंड 194 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ आईटीयू. तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के कुछ वर्क होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं. जैसे इंट्रोडक्शन, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च होता है, कमर्शियली पूरे वर्ल्ड वाइड लॉन्च करना है, तो आईटीयू उसे इंट्रोड्यूस करता है इन टोटली वर्ल्ड वाइड सिनेरियो. स्टैंडर्ड सेट करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं 3G की बात करूं, तो 3G का जो स्टैंडर्ड नेम है दैट इज कॉल्ड एज IMT 2000. 3G इज थर्ड जनरेशन, बट द एग्जैक्ट नेम, एग्जैक्ट टेक्निकल नेम ऑफ 3G इज IMT 2000. 4G stands for IMT Advanced, International Mobile Telecommunication Advanced. 5G stands for IMT 2020. ये जो नाम जो nomenclature है, that is given by ITU. Next, जो work होता है ITU का, that is called Radio Regulation and Spectrum Harmonization. So, Radio Regulation का क्या मतलब है? अब रेडियो से आप क्या समझते हैं? रेडियो का मतलब है रेडियो वेव्स. रेडियो वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिससे हम लोग सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं. सिग्नल्स होते हैं जो हमारे मैसेजेस होते हैं, जैसे हमारा पिक्चर हो गया, वॉइस हो गया, ये जितने भी हमारे डेटा हो गए, इनपुट्स हो गए, इन सबको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट करने का एंटीना के थ्रू जो है वो ट्रांसमिशन और रिसेप्शन का वर्क होता है. तो रेडियो रेगुलेशन, रेडियो रेगुलेशन मतलब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. सपोज आप जो है कार में या अपने मोबाइल फोन में या फिर अपने किसी भी डिवाइस पे आप FM प्ले करते हैं. आपने देखा होगा 92.7 FM, 93.5 FM, 98.3 FM. तो ये FM सिग्नल आप प्ले करते हैं, आप गाना जो है वहाँ पे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है और आप जो है चैनल एंजॉय करते हैं. तो कभी आपने सोचा है कि ये 92.7 FM या 98.3 FM ये क्या है? दीज आर द फ्रीक्वेंसी रेंजेस. 92.7 MHz इज अ 92.7 FM channel is operated on 92.7 MHz frequency range. तो FM की कुछ frequency ranges हैं. For example, अगर मैं आपको बताऊं कि FM की range क्या है, तो FM की range है 88 MHz to 108 MHz. ये पूरे world wide ये channel allocate किया गया है कि ये इसमें जो है आप केवल FM transmission कर सकते हैं, केवल आप radio broadcasting के लिए use हो. 88 MHz से लेके 10 MHz तक आप जो है FM के, आप अगर कोई रेडियो स्टेशन ओपन करना चाहते हैं तो आप जब गवर्नमेंट से फ्रिक्वेंसी एलोकेट करेंगे, बिडिंग करेंगे आप, तो आपको इसी स्पेक्ट्रम के बीच में आपको कोई ना कोई चैनल अलॉट किया जाएगा, कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी अलॉट की जाएगी. तो रेडियो रेगुलेशन का काम जो होता है वो भी ITU करता है. जैसे FM के लिए एलोकेटेड 88 MHz टू 108 MHz, इसी तरीके से एनालॉग कम्युनिकेशन के लिए भी चैनल अलॉटेड है. GSM कम्युनिकेशन के लिए भी 850 MHz टू 1800 MHz तक जो है वो चैनल एलोकेटेड है कि इसी फ्रिक्वेंसी रेंजेस के बीच में जो है आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं. सिमिलरली मिलिट्री यूजेस के लिए, मिलिट्री टेलीकम्युनिकेशन के लिए अलग फ्रिक्वेंसी अलॉट की गई है. रडार कम्युनिकेशन के लिए अलग से फ्रिक्वेंसी बैंड, हाई फ्रिक्वेंसी बैंड अलॉट किए गए हैं. KU, KAS बैंड, इस टाइप के फ्रिक्वेंसी रेंजेस जो है वो अलॉट. सिमिलरली 4G की बात करें तो 4G जो है वो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी यूज करता है इन GHz. तो GHz फ्रिक्वेंसी की रेंजेस का जो एलोकेशन है कि इसमें जो है वो 4G कम्युनिकेशन होगा. तो स्पेक्ट्रम हार्मोनाइजेशन का मतलब यही है कि ये जो जितनी भी ये इंटरनेशनल बॉडीज हैं, ये ऑलरेडी जो है वो डिसाइड कर चुकी हैं कि इस स्पेक्ट्रम में जो है इस तरीके के वर्क आपके होंगे. नेक्स्ट है कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं, जो पैरामीटर जो है वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा जनरेशन होगा. तो जो ये इंटरनेशनल बॉडीज हैं, ये कुछ पैरामीटर्स सेट करते हैं. इन पैरामीटर्स को अचीव करना होता है. और ये कौन अचीव करता है, कौन पैरामीटर अचीव करता है? टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स अचीव करते हैं, रिसर्चर जो है रिसर्च करते हैं और इन पैरामीटर्स तक पहुँचते हैं. नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है. तो
ITU क्या करता है, ITU टारगेट सेट करता है फॉर ईच जनरेशन। जैसे 4G के लिए इन्होंने टारगेट सेट किया था कि पीक, ये कुछ KPI है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, ऐसे बहुत सारी मैट्रिक्स हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिन्हें हमें देखना पड़ता है। जैसे पीक स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी है, यूजर एक्सपीरियंस डेटा रेट है, एवरेज स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी, यहाँ पे केवल मैंने 3 पैरामीटर्स लिए हैं। तो जनरली स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं कि पीक स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी इतनी होनी चाहिए 4th जनरेशन में, 5th जनरेशन में ये बढ़ के 30 bits per hertz हो जानी चाहिए, यूजर एक्सपीरियंस डेटा रेट इतना होना चाहिए, इतना कम से कम 3 times तो इंक्रीज होना ही चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जितने भी हमने यहाँ पे पैरामीटर्स लिखे हैं, ये पैरामीटर्स 4G में जितने हैं और 5G में कितने हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 3 times इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर कोई टेक्नोलॉजी जो है 5G के पैरामीटर्स तक अपने पहुँचती है, 5G के पैरामीटर्स तक पहुँचती है, तो उसे 5th जनरेशन का नाम दे दिया जाएगा। नेक्स्ट कुछ और बॉडीज हैं जो कि आइडेंटिफाई करती हैं, जैसे आपका 3GPP है, 3GPP पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, 3GPP इज 3rd जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, ये भी एक जो है इंटरनेशनल बॉडी है, इट वर्क्स वर्ल्ड वाइड, और इसका जो मेन काम है दैट इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो एक तो UN बॉडी है दैट इज ITU, नेक्स्ट जो है वो 3GPP है जिसने मेनली मेजर रोल प्ले किया था 3G डेवलपमेंट। अभी जो आप यहाँ पे लोगो देख रहे हैं 5G का, ये भी लोगो 3GPP ने ही डेवलप किया। इट इज इंटरनेशनल बॉडी, ये क्या काम करती है, ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का काम, ये ITU ने क्या टारगेट सेट किए हैं, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स रखे हैं, उन पैरामीटर्स और जो है कंज्यूमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, इन पैरामीटर्स को देखते हुए हम लोग कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करें। अब 3GPP कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, इट्स हैव आल्सो मेंबर्स, बहुत सारे इसके भी मेंबर हैं 3GPP के, जितने भी आपके टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, दे आर आल्सो अ मेंबर ऑफ 3GPP। तो इसके और भी वर्क क्या है 3GPP के, दैट इज द वर्क ऑफ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज टेक्नोलॉजी। एंड 3GPP जो है वो बहुत सारे इसके पार्टनर्स हैं, जैसे IEEE हो गया, WiMAX हो गया, जितने भी फोरम्स हैं, दीज आर द पार्टनर्स ऑफ 3GPP। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5G की, इंट्रोडक्शन ऑफ 5G। 5G stands for 5th generation mobile communication network and it is the wireless standard after these generation 1G, 2G and 4G networks. 5G stands for IMT 2020, that is the standard name of 5G, and agar ye aa jata hai iske kuch units hain jo ki hame discuss karna hai, iske kuch parameters hain 5G ke। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बताएं तो क्या क्या इसमें हमें मिलेगा, क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, क्या क्या फीचर्स हैं 5G। 5G इज मोर रिलायबल, बेटर स्पीड, बेटर रेंज, हाई कैपेसिटी, फास्टर डेटा ट्रांसमिशन, हाई क्वालिटी TV एंड वीडियो स्ट्रीमिंग। यहाँ पर मैंने एक बात करी हाई कैपेसिटी की, तो हाई कैपेसिटी मीन्स हाई यूजर कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ यूजर जो हैं इस पर जो है एक साथ जो है वो यूज़ कर सकते। तो इसका मतलब जो है अगर यूज़र बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, यूज़र अगर बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो जो है ज़्यादा ज़्यादा हमें जो है एंटीनास की भी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ से हमारा सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव होता है, तो मोर नंबर ऑफ एंटीनास की ज़रूरत हमें पड़ेगी। आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ये देखेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं 4G और 5G में, कि 5G जो है वो बेटर है 4G। तो ये कुछ फीचर्स हैं 5G के, अगर हम लोग कंपेयर करें इसे 4G से, कि 4G से कैसे बेटर है, कैसे जो है, तो कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स को अगर हम कंपेयर करें तो उससे हमें पता चलेगा कि कैसे 5G है वो 4G से बहुत बेटर है। तो एक मैंने चार्ट जो है यहाँ पे बनाया है, डिस्कस किया है, इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें एक ऑक्टागन है, दिस फेमस ऑक्टागन क्लियरली describe what are the differences between 5G and 4G, what are the limitations of 4G and how 5G extended
एज कम्पेयर टू 4G। तो आप देख पा रहे हैं कि इस अगर इस ग्राफ को आप एग्जैक्टली क्लियरली समझे तो इसमें बहुत सारे KPI लिखे हुए हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अगर मैं वर्टिकल एक्सेस पे बात करूं तो यहाँ पे पहला KPI लिखा हुआ है यूजर एक्सपीरियंस डेटा रेट, कितना होना चाहिए यूजर एक्सपीरियंस डेटा रेट। तो ये KPI दैट पैरामीटर्स आर सेट बाय इंटरनेशनल यूनियंस, एंड इसको जो भी टेक्नोलॉजी अचीव करती है उसे हम IMT 2020 के नाम जो है वो दे देते हैं, इन वायरलेस कम्युनिकेशन। तो इट इज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो कि इन पैरामीटर्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप कहें कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें आप टेस्ट कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि क्या चीज़ें इंक्रीज हो जाएंगी। तो अगर हम बात करें यूज़र डेटा एक्सपीरियंस रेट की, तो लगभग 10 Mbps की मिनिमम स्पीड जो है वो 4G जो है वो प्रोवाइड करता है। 5G के आने के बाद ये 10 times इंक्रीज हो जाएगा, 100 Mbps की स्पीड जो है ऐसा जो है फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि स्पीड हमें मिलेगी। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रल इफिशियंसी। स्पेक्ट्रल इफिशियंसी वन ऑफ द पैरामीटर, वन ऑफ द KPI सेट बाय द ITU कि वो कितनी होनी चाहिए, तो 4G से कम 3 गुना बढ़ जानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे, अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे मोबिलिटी लिखा हुआ है किलोमीटर पर, मीन्स कि फॉर हाई स्पीड अगर कोई यूजर है, कोई UV है, वो हाई स्पीड में है, लाइक 350 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे वो है, या कोई बुलेट ट्रेन है जिसमें जो है वो यूजर्स जो है वो है, तो वो कैसे उनको कनेक्टिविटी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो मोबिलिटी 5G में जो है वो बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। 500 किलोमीटर पर आर की स्पीड में भी अगर आप हैं, जैसे आप बुलेट ट्रेन में आप ट्रेवल कर रहे हैं या हाई स्पीड कनेक्टिविटी के साथ आप ट्रेवल, तब भी आप जो है 5G नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रह पाएंगे। जनरली जो है 4G भी हम लोग के इंडिया में जो है वो चल जाता है, क्योंकि हम लोग जो है हमारे यहाँ जो ट्रेन हैं वो इतनी स्पीड से नहीं चलती हैं, या हम लोग की जो मोबिलिटी है वो इतना फास्ट नहीं होता है कि नेटवर्क जो है वो एकदम से ड्रॉप होता है। लेटेंसी की बात करें तो लेटेंसी इसमें हमें बहुत ही कम मिलती है, अराउंड 1 ms की लेटेंसी मिलती है, जो कि ना के बराबर है 5G में। 4G में लगभग 10 ms तक की लेटेंसी हमें मिलती है, जिससे आप जो है अपना ऑनलाइन गेमिंग परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर अपनी IoT डिवाइसेस जो है वो अच्छे से, लेटेंसी अगर बहुत कम होगी तो एंड टू एंड जो आपका कम्युनिकेशन होगा वो बहुत ही बेटर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कनेक्शन डेंसिटी। कनेक्शन डेंसिटी जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया है कि कनेक्शन डेंसिटी इज नथिंग बट यूज़र कितने जो हैं आपको मिलेंगे इसमें, तो पर किलोमीटर स्क्वायर। यूजर डेंसिटी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 10^6 यूजर्स पर किलोमीटर स्क्वायर, 1 km² में लगभग 10^6 यूजर जो है वो कनेक्ट होते हैं। तो कनेक्टिविटी इसमें कैपेसिटी जो है वो इस जनरेशन की बहुत स्ट्रांग होने वाली है, बहुत ज़्यादा डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे पर स्क्वायर किलोमीटर में आप देख पा रहे हैं कि 1,000,000 से ज़्यादा यूजर जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं, इतनी तो जो है वो यूजर होते भी नहीं है पर स्क्वायर किलोमीटर में। तो इतने ज़्यादा अगर कैपेसिटी आपको मिलेगी तो आप नंबर ऑफ डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। यहीं से आपका IoT स्टार्ट होता है कि अब नंबर ऑफ यूजर कैसे बढ़ेंगे। जैसे आप फॉर एग्जांपल के लिए आप घर में जो है अकेले हैं, आप अकेले जो है डिवाइस यूज कर सकते हैं, तो आप क्या क्या चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप जो है अपने होम अप्लायंसेस कनेक्ट कर सकते हैं, और बाकी अपने कैमरास कनेक्ट कर सकते हैं, CCTV कैमरा, अपना व्हीकल कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें IoT, जैसा कि कल एक लेक्चर हो रहा था, सर ने बताया कि ड्राइवरलेस कार आने वाली है। ड्राइवरलेस कार जब आएंगी तो एक तो नहीं आएगी, केवल हमें एक में कनेक्ट करना है, बहुत सारे नंबर ऑफ कार्स आएंगी जो ड्राइवरलेस कार होंगी। तो नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ेंगे तो हमें जो है अपने नेटवर्क की जो है यूजर कैपेसिटी को जो है वो बहुत इंक्रीज करना पड़ेगा। 5G गिव्स लार्ज नंबर ऑफ यूजर कैपेसिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेटवर्क एनर्जी इफिशियंसी। तो दीज आर द KPIs विच आइडेंटिफाई हाउ 5G इज बेटर देन 4G। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4G में जो भी चीज़ें थी उन सभी से बहुत ज़्यादा हमें जो है 5G में मिलने वाला है। अगर नेटवर्क एनर्जी इफिशियंसी की बात करें तो इट इज़ 100 times increase। और इसके लिए मैं आगे स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कि
ऐसे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है 5G में जिससे नेटवर्क इफिशियंसी जो है वो बहुत, नेटवर्क एनर्जी इफिशियंसी बहुत है। अब नेटवर्क एनर्जी इफिशियंसी को आप कैसे समझेंगे? नेटवर्क एनर्जी इफिशियंसी मतलब किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू वन अदर प्लेस हमें पावर की रिक्वायरमेंट होती है। पावर हमें बहुत जरूरी होता है, पावर जो है वो लगता है टावर से ट्रांसमिट करने के लिए सिग्नल। तो अगर लॉट्स ऑफ पावर जो है वो सिग्नल को भेजने में यूज हो रहा है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 5G में जो है वो 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, तो कैसे इंक्रीज हो जाएगा इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग की टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे 5G। नेक्स्ट, पीक डेटा रेट इन गीगाबाइट्स पर। पीक डेटा रेट मतलब कितनी मैक्सिमम स्पीड हमें मिलेगी 5G में, कितनी मैक्सिमम स्पीड हमें मिलेगी, तो लगभग 20 GBPS की स्पीड हमें मैक्सिमम मिल सकती है 5G में, ऐसा जो है अप्रोक्सीमेटली सोचा जा रहा है कितनी ज़्यादा स्पीड हमें मिल सकती है। नेक्स्ट बात करें तो हमें समझना होगा कि यहाँ से अभी आपको इस ग्राफ से समझ में आया होगा कि कैसे जो है वो 5G बेटर है 4G से। 5G स्टैंड्स फॉर IMT 2020। जो ग्राफ आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर में और जो डार्क येलो कलर का है, दैट ग्राफ इज डिनोटेड फॉर 4G IMT एडवांस। तो किस तरीके से जो है कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, इन्हीं पैरामीटर्स की टेस्टिंग की जाती है, यही जो पैरामीटर्स हैं ये सारे पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं कि 5G में ये हमें बेटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये इतने सारे पैरामीटर्स हैं, इन्हीं सारे पैरामीटर्स को जो है हम टेस्टिंग के दौरान चेक करते हैं कि अगर हम ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये पैरामीटर्स अचीव हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्लाइड में एक स्मॉल इंट्रोडक्शन में देना चाहूँगा आपका सेलुलर सिस्टम पे, और फिर हम देखेंगे कि 5G कैसे बेटर करता है। तो जनरली किसी भी कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं। पहला तो एक बेस स्टेशन होता है जिसे आप लोग जनरली टावर के नाम से जानते हैं। बेस स्टेशन जो है सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, कहाँ पे ट्रांसमिट करता है, जहाँ पे यूजर्स होते हैं। यूजर्स इज जनरली इन कम्युनिकेशन डिफाइंड एज UV, यूजर इक्विपमेंट्स। जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, दैट्स कॉल्ड UV, यूजर इक्विपमेंट्स। दिस यूजर इक्विपमेंट्स रिसीव डेटा, ट्रांसमिट डेटा, एंड कहाँ से ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं? थ्रू बेस स्टेशन। तो बेस स्टेशन जो है, बेस स्टेशन का सम लिमिटेशंस कि उसकी कुछ यूजर कैपेसिटी होती है। आपको मालूम है कि 5G में जो है ये यूजर कैपेसिटी जो है बहुत इंक्रीज होने वाली है। आप जो ये टावर देख रहे हैं, बेस स्टेशन देख रहे हैं, इस बेस स्टेशन पे अभी आपको एक सिंगल टावर से जो है वो नंबर ऑफ यूजर जो है वो 4G डेटा को यूज कर रहे हैं। बट जब 5G आ जाएगा तो इसी टावर पे हमें ऑलमोस्ट 20-25 5G एंटीनास का यूज करना पड़ेगा, और 5G आ जाएगा तो हमें जो है और भी बहुत सारे लार्जर एंटीनास की जरूरत पड़ेगी। लार्जर मतलब बड़ा नहीं साइज में, नंबर ऑफ एंटीनास की जरूरत पड़ेगी। तो आप जब 5G आपके यहाँ कमर्शियली लॉन्च होगा तो आप देखेंगे कि आपके गली में, आपके चौराहे पे, हर जगह आपके जो है एंटीनास जो है वो इस्टेब्लिश होंगे 5G। बिकॉज 5G जो है वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी रेंज यूज करता है, मिलीमीटर वेव फ्रिक्वेंसी जो है वो यूज करता है। मिलीमीटर वेव फ्रिक्वेंसी है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, द रेंज ऑफ मिलीमीटर वेव फ्रिक्वेंसी इज अप्रोक्सीमेटली 20 GHz to 300 GHz। अभी तक जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम है हम लोग इस रेंज में अभी तक नहीं पहुँचे हैं, बट 5G जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हम हाई फ्रिक्वेंसी पे जो है वो कम्युनिकेशन। इसमें दो तीन प्रॉब्लम्स भी आते, फ्रिक्वेंसी पे जो है जा रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए तो क्या हेल्थ पे क्या इश्यू होंगे, क्या कोई दिक्कत आएगी इसकी वजह से, तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब PPT खत्म हो जाएगा। अभी जिसके पास स्पेक्ट्रम ज़्यादा होगा, जिसके पास फ्रिक्वेंसी रेंज ज़्यादा होगी, वो लॉट्स ऑफ यूजर को आप जो है अटेंड कर पाएंगे। तो अगर कोई ऑपरेटर है वो 5G ऑपरेट करता है तो अपने नंबर ऑफ यूजर को इंक्रीज करके वो बेनिफिट्स या प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है आपका विच टेक्नोलॉजी यूज इन 5G में। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जो 5G नेटवर्क में यूज की जाती है?
या एक स्लाइड आगे हम लोग शायद पहुंच गए हैं. बिफोर गोइंग टू टेक्नोलॉजी फर्स्ट वी से द इनविजन यूजर्स यूज केसेस ऑफ 5G. कौन कौन से यूज केसेस हैं, कहाँ कहाँ पे हम 5G टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं. तो 5G टेक्नोलॉजी की वजह से मैंने बताया कि इसमें ये पैरामीटर्स हैं जो 4G से बहुत बेहतर होंगे. तो किस जगह पे यहाँ पे हम यूज करते हैं, जैसे इनहांस ब्रॉडबैंड है. ब्रॉडबैंड जो है वो बहुत ज़्यादा तेजी से यूज होने वाला है. आप सभी लोग जो है अपने स्मार्टफोन से सभी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं और कहीं से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं. फॉर आप अपने जितने भी होम अप्लायंसेस हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं. सपोज आपने वाईफाई से अभी कनेक्ट कर रखा है, लेकिन आप घर से बाहर जाएंगे तो जो आपका जो सिग्नल है वो लॉस हो जाएगा, आपका जो कनेक्शन है वो डिसकनेक्टेड हो जाएगा. बट अगर आपकी ये कनेक्टिविटी इंटरनेट पे आ जाती है, अगर आपकी ये कनेक्टिविटी इंटरनेट पर, आपका मोबाइल फोन भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, आपका टेलीविजन भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो ये सारी चीज़ें आप जो है अपने स्मार्टफोन से भी कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, कहीं से भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. तो इन्हें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है. नेक्स्ट इसका यूजेस है अल्ट्रा डेंस. जैसे आप कभी भी जाते हैं कहीं भी ट्रैफिक सिग्नल में अगर आप फंस जाते हैं, या फिर कहीं क्राउडेड प्लेस पे आप जाते हैं, क्रिकेट मैच वगैरह आप देखने जाते हैं, वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ नॉइज़ बहुत होती है. नॉइज़ वहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से आपका जो सिग्नल होता है वो जनरली ड्रॉप हो जाता है, आपके टावर्स होते हैं वो जनरली ड्रॉप हो जाते हैं, आपको नेटवर्क कैपेसिटी बहुत कम मिलती है. तो नेटवर्क की अवेलेबिलिटी जो है वो 5G में ये प्रॉब्लम जो है वो दूर होने वाली है. आप चाहे जितना भी क्राउडेड एरिया में रहें आपको पूरा नेटवर्क मिलने वाला है. नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी. स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट होने वाली है ड्यू टू 5G टेक्नोलॉजी. अगर आप अपने घर को स्मार्टली कनेक्ट कर सकते हैं तो सिटी भी आप आसानी से जो है अपने कनेक्ट कर सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें जो है आप डायरेक्टली जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं स्मार्ट सिटी. मतलब जैसे ड्राइवरलेस कार हो गया, आप उसे व्हीकल के फॉर्म में यूज कर सकते हैं. हाई स्पीड मोबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया. हाई स्पीड मोबिलिटी जो है आप अगर हाई स्पीड ट्रैवल कर रहे हैं तब भी आपको नेटवर्क अवेलेबल मिलेगा. एंड व्हीकल टू व्हीकल कनेक्टिविटी. नाउ हियर इट्स कम्स विद IoT. IoT का यूज़ यहाँ पे होने वाला है. IoT का यूज़ हम ऐसे यूज़ तभी कर पाएंगे जब हमें कनेक्टिविटी बेटर मिलेगी. तो फॉर बेटर कनेक्टिविटी हम लोग IoT का यूज़ करते हैं. फॉर बेटर कनेक्टिविटी वी आर यूजिंग IoT. IoT का जो है हम यूज़ कर सकते हैं. अगर हमें मान लीजिए जैसे कल सर ने बताया कि एक टेस्ला कार में 16 कैमरे लगे रहे, और 16 कैमरे जो है वो ऑपरेट करने हैं. अब ड्राइवरलेस कार है, उसमें कोई ड्राइवर तो है नहीं, सारा कुछ उसे ही मैनेज करना है, और कनेक्शन बेहतर ना हो तो कैसे मैनेज करेंगे. तो फॉर बेटर IoT कनेक्शन 5G नेटवर्क जो है वो यूज होगा. अगर इंडिया में 5G आ जाता है तो इंडिया में टेस्ला कार भी आ जाएगी, और टेस्ला कार या फिर इंडिजिनियसली डेवलप कार जो है वो बन जाएंगी. यहाँ पे टाटा वर्क कर रहा है उस पर. रूलर कनेक्टिविटी एंड फार्म ऑटोमेशन. तो रूलर एरियाज में कनेक्शन बहुत ज़रूरी है. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है रूलर एरियाज में, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि हमारी वर्ल्ड की इकोनॉमी या अपने कंट्री की इकोनॉमी की बात करें तो ज़्यादातर मेजर पोर्शन जो है वो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है. तो अगर हम स्मार्ट फार्मिंग कर पाते हैं, स्मार्ट कनेक्टिविटी कर पाते हैं, तो हमारा इकोनॉमी में भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा. नेक्स्ट मशीन टू मशीन कनेक्टिविटी. मशीन टू मशीन कनेक्टिविटी जो है आपके बिजनेसेस में, इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले हैं, मेडिकल सेक्टर में यूज़ होने वाला है. इंडस्ट्री में कैसे जो है यूज़ होने वाला है, दैट 5G टेक्नोलॉजी गिव अ हाई स्पीड डेटा रेट विथ लो लेटेंसी. हाई स्पीड डेटा रेट विथ लो लेटेंसी मीन्स कि अगर आप कोई मशीन से वर्क करा रहे हैं तो दैट मीन्स कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो हाईली एक्यूरेट प्रोडक्ट बनेगा. तो दीज थिंग्स आर कम इन द पिक्चर. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि वो कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो 5G में यूज होती हैं, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसकी वजह से 5G इतना बेटर है. तो नेक्स्ट इज फॉर बेटर सिग्नल्स वी आर यूजिंग ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिविजन मल्टीपल एक्सेस. दिस इज अ एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ फ्रिक्वेंसी डिविजन मल्टीपल एक्सेस OFDM. OFDM इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट्स जो हैं वो जानते होंगे इन वायरलेस कम्युनिकेशन और इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सब्जेक्ट. यू स्टडी OFDM ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिविजन मल्टीपल एक्सेस. तो क्या होता है डिटेल में यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे मैकेनिकल के और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं. तो
there are mainly three types of technology used in wireless communication. The first is TDMA, time division multiple access. Second is CDMA, port division multiple access. And third one is frequency division multiple access. OFDM is nothing but a smart way of representing a frequency division multiple access. तो इसमें जो है स्पेक्ट्रम को हम स्मार्टली डिवाइड करते हैं, फ्रिक्वेंसी को हम स्मार्टली डिवाइड करते हैं टू हैंडल द लॉट्स ऑफ यूजर्स. लॉट्स ऑफ यूजर में लॉट्स ऑफ कनेक्टिविटी और इसको और इफिशियंट जो है वो ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए हमने यूज किया है इफिशियंट ट्रांसमीटर मैसिव माइमो सिस्टम फॉर IoT डिवाइसेज. मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट डिवाइसेज जो कि जो है 4G में है, इसकी कुछ लिमिटेशंस थी. आप अपने 4G मोबाइल से बहुत सारी चीजें नहीं कनेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है ग्रीन सिग्नलिंग और UV ओरिएंटेड डिजाइन. सो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी कि इसमें जो है UV ओरिएंटेड, UV मींस यूजर इक्विपमेंट ओरिएंटेड डिजाइन. जहां पे यूजर है वहीं पे सिग्नल जो है आपका कवर करेगा. तो इसके लिए जो है मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया कि पावर की सेविंग जो है बहुत ज्यादा होती है. हाईली एनर्जी इफिशियंट जो होने वाला 100 टाइम्स हाईली एनर्जी इफिशियंट 5G. बट इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है. इसकी कुछ लिमिटेशंस ये है कि आपको बहुत सारे एंटीनास यूज करने पड़ेंगे. जैसे एक 4G एंटीना जो है ऑलमोस्ट जो है 1 किलोमीटर का एरिया कवर करता है फॉर 360 डिग्री. 5G की बात करें तो 5G की जो रेंज है एंटीना की जो रेंज होगी वो लगभग 500 से 1 किलोमीटर के बीच में रहने. तो अगर नंबर ऑफ यूजर इंक्रीज होने वाले हैं, यूजर इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा पावर की भी ज़रूरत होगी. तो इसको ओवरकम करने के लिए नंबर ऑफ एंटीना जो है हम 5G नेटवर्क्स में यूज़ करेंगे. आपके चौराहे पे, आपके रोड के किनारे साइड में पूरा जो है एक जाल सा बिछ जाएगा. 5G मान लीजिए कानपुर में लॉन्च होता है तो हर एक चौराहे पे, हर एक नुक्कड़ पे, हर एक गार्डन में, हर एक बिल्डिंग के पास, हर बिल्डिंग के आगे, बिल्डिंग के पीछे, सभी जगह जो है आपको 5G एंटीनास आपको देखने को मिलेंगे. अब 5G एंटीना को इंस्टॉल करना जो है वो बहुत बड़ा ये एंटीना नहीं होगा, क्योंकि ये जो फ्रिक्वेंसी रेंजेस है आपको मालूम है कम्युनिकेशन का जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो भी कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे कि अगर आप लो फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट करेंगे तो आपको हायर एंटीना की हाइट जो है आपको बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी. लेकिन आप कम्युनिकेशन ही इतनी हाई फ्रिक्वेंसी पे कर रहे हैं, GHz की फ्रिक्वेंसी पे आप, मिलीमीटर वेव की फ्रिक्वेंसी पे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आपको एंटीना की साइज ऑलमोस्ट छोटी मिलने वाली है. तो ऑलमोस्ट जो है अराउंड छोटे एंटीना जो हैं आपके यूज़ होंगे. आप बिल्डिंग के ऊपर जो है वो रख सकते हैं, बिजली के खंभे जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स होते हैं उसके ऊपर आप जो है वो एंटीना का यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरीके से जो है नंबर ऑफ जो है वो 5G एंटीना जो है सिटी, अगर 5G लॉन्च होता है तो नंबर ऑफ एंटीनास भी बहुत ज़्यादा यूज होंगे फॉर लार्ज कैपेसिटी, ज़्यादा यूजर को कवर करने के लिए. अब बात आता है कि कैसे पावर की कैसे सेविंग होती है इसमें यूवी ओरिएंटेड डिज़ाइन. तो ये जितने भी एंटीनास हैं ये एक बीम जो है वो जनरेट करते हैं. तो यूजर्स जनरली जो 4G एंटीनास होते हैं वो 24 आवर्स जो है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं कि जहाँ भी यूजर को यूज करना चाहता है तो सिग्नल कैच करें. तो पावर का जो यूजर्स होता है वो 24 आवर्स होता है. और इसमें जो 5G में है, 5G में जो यूवी ओरिएंटेड डिज़ाइन किया जाएगा, इसमें हम दिन में और रात में जहाँ जब यूज़र बहुत कम होते हैं रात को, उस समय हम कुछ एंटीनास को शट डाउन कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम को जो है हम सेंड करते हैं कि अगर कोई यूज़र जो है वो यूज़ करना चाहता है तो वहाँ तक सिग्नल जो है वो पहुँच जाए. 5G एंटीनास का जो डिज़ाइनिंग का जो मंत्र है वो ये है कि जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहीं पर सिग्नल जो है वो पहुँच जाए. तो इस क्राइटेरिया को देखते हुए जो है वो एंटीनास डिज़ाइन किए जा रहे हैं. नेक्स्ट इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज गई है फॉर फास्टर रिस्पॉन्स, लो लेटेंसी डिज़ाइन. इसमें आप जो है गेमिंग खेल सकते हैं, जैसे आप पबजी वगैरह खेलते हैं तो उसमें पिंग बहुत ज़्यादा आती है ना. आप गेम में कुछ और हो रहा होता है, आप कहीं और होते हैं, तो लेटेंसी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. नेक्स्ट इसमें जो यूज़ किया गया है, हायर बैंडविड्थ यूज़ की गई है. मैंने आपको बताया कि मिलीमीटर वेव फ्रिक्वेंसी जो होती हैं ये एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसीज होती हैं. इनकी जो रेंज होती है
ये 20 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 300 गीगाहर्ट्ज़ तक के बीच में रेंज होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे कि अगर हम एनालॉग मॉड्यूलेशन की बात करें, एनालॉग सिग्नल्स की बात करें, तो उसमें हम मेगाहर्ट्ज़ में कैरियर सिग्नल को यूज करते हैं, किलोहर्ट्ज़ में हमारा मैसेज सिग्नल होता था और मेगाहर्ट्ज़ में हमारा जो है वो कैरियर सिग्नल होता है। यहाँ पे हमारा जो सिग्नल है, जो हमारा इनपुट है वो तो किलोहर्ट्ज़ में, बट यहाँ पे जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है वो चेंज होके गीगाहर्ट्ज़ में चली गई। तो गीगाहर्ट्ज़ में जो है आप जो फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ है वो बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा आप डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, हर एक डिवाइस के लिए अलग फ्रिक्वेंसी एलोकेट किया जा सकता है। तो दीज आर द टेक्नोलॉजीज यूज इन 5G विच आर डिफरेंट फ्रॉम 4G। 4G में भी जो है वो MIMO सिस्टम और OFDM यूज किया जाता है, बट इन 5G देयर इज द स्मार्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज टेक्नोलॉजी। फॉर एंटीनास आर डिजाइनिंग एज अ यूजर इक्विपमेंट ओरिएंटेड डिजाइन। लेटेंसी इज वेरी लो एंड यू आर यूजिंग हाई फ्रिक्वेंसी इन 5G टेक्नोलॉजी। तो मिलीमीटर वेव फ्रिक्वेंसी आर यूजिंग इन 5G। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या चल रहा है हमारा थर्ड पार्ट PPT का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिस प्रेजेंटेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 parts। नेक्स्ट कि इंडिया में कब तक ये आ पाएगा, इंडिया में कब तक ये लॉन्च हो पाएगा, कब तक हम इसे यूज कर पाएंगे, क्यों जरूरी है इंडिया में 5G जो है लॉन्च करना या 5G का यूज करना, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखें। तो 5G टेस्ट बेड इन इंडिया क्या सिनेरियो चल रहा है, इंडिया में कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो जो यूज कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं डिप्लॉयमेंट के लिए और डेवलपमेंट के लिए 5G। तो इसमें हम देखें सबसे पहले कि क्या क्यों ज़रूरी है 5G डेवलपमेंट इन इंडिया, तो क्यों ज़रूरी है फॉर डिजिटल कनेक्टिविटी। मेकअप इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंडिया जो है बहुत सारे लैब्स एंड इक्विपमेंट सेट कर रहा है जिसकी वजह से हम लोग 5G का टेस्टिंग जो है वो कर पाएंगे। बिल्डिंग 5G इकोसिस्टम, 5G इकोसिस्टम मतलब वी हैव टू डेवलप 5G स्मार्ट सिटीज एंड एग्रीकल्चर, वी कैन यूज 5G इन एग्रीकल्चर। सो हाउ यू कैन गो फॉर दिस डेवलपमेंट, फॉर डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोग्राम हमें टेस्ट बेड्स को और ज़्यादा इंक्रीज करने पड़ेंगे ताकि हम डिजिटली कनेक्ट हो पाएँ, ग्लोबली कनेक्ट हो पाएँ। मेक इन इंडिया स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम जो है वो कैसे और आगे बढ़ सकते हैं, टू द कोलाब्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सपर्टाइज विद द इंस्टीट्यूट, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कोलाबरेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो भी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है उसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो है कौन क्या मेजर गोल्स हैं, क्या मेजर गोल्स हैं इसके 5G टेस्ट बेड के इंडिया में। तो इंक्रीज R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी टू सॉल्यूशन फॉर 5G नेटवर्क, इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फोरम। ये सपोज आप इंडिया जो है वो अपना इंडिविजुअली 5G नेटवर्क डेवलप कर लेता है, जनरली अभी तक जो है हम लोग दूसरे कंट्रीज जो है वो कोलाब्रेशन करके जो है हम लोग यूज करते हैं टेक्नोलॉजीज का। तो अगर इंडिया डेवलप करता है, जैसे कि IIT कानपुर और IIT मद्रास जो है वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग खुद का अपना 5G नेटवर्क डेवलप करते हैं, तो हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा ग्लोबल फोरम्स में, लाइक थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट में, ITU में, IEEE स्टैंडर्ड्स में। एंड दीज आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर फंडेड बाई डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो है अभी बहुत सारे नए नए लैब्स बनाई जा रही हैं, 5G टेक्नोलॉजी लैब बनाई जा रही हैं। कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें जो है हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडियन टेस्ट बेड में। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं टेस्टिंग में, 5G की टेस्टिंग में। सो दीज आर द इंस्टीट्यूट्स वेर IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद, IIT दिल्ली, IIT कानपुर एंड IIT मुंबई।
And similarly, the IIT Madras have some research lab and research technology institute that is called Center of Excellence in Wireless Technology, CEWIT. Samir is the Society of Applied Microwave Electronics Engineering and Research. This is institutes developed by these IITs. तो ये सारे जो हैं वो लगे हुए हैं 5G के डेवलपमेंट में. Approximately 260 members employees are working on this 5G test bed. 5G labs have been developed across this. IIT Kanpur में भी 5G labs develop हो रही हैं. Requirement भी है जो PhD holders हैं उनके लिए. 40 investigators, faculty members, and senior researchers from these institutes are participating, collaborating with each other. And कुछ references मैंने आपको दिए हैं, अगर आपको देखना है कि क्या work चल रहा है. You can go for these references of IIT Kanpur, IIT Hyderabad websites. And कुछ questions हैं जो कि I hope कि मैंने इस PPT में almost बहुत सारी चीजें cover ही कर चुके होंगे. So how is 5G better than 4G? तो 5G जो है कैसे बेहतर है, बहुत सारे जो है फीचर्स मैंने इसको आपको बताए हैं कि लेटेंसी इसमें कम होती है, बेटर स्पीड हमें मिलती है, सबसे ज़्यादा पावर इफिशियंट होता है, एनर्जी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा मिलती है हमें, 100 टाइम्स हमें एनर्जी इफिशियंसी मिलती है. हाउ एंड व्हेन विल 5G अफेक्ट द ग्लोबल इकोनॉमी? तो 5G अभी तो हम लोगों ने, हमारे कंट्री में तो अभी नहीं आया है. ग्लोबल इकोनॉमी में क्या इफेक्ट करता है ये तो आपको 10-15 साल बाद ही इफेक्ट देखने को मिलेगा. आई होप कि इसके बारे में जो है अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो 5G जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर में इफेक्ट करने वाला है और बहुत सारे नंबर्स ऑफ जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं, नई जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं. बिजनेस में कैसे 5G वर्क करेगा? बिजनेस में मैंने आपको बताया कि अगर लेटेंसी कम रहेगी, हाई एक्यूरेसी रहेगी, हाई स्पीड रहेगा तो प्रोडक्ट्स जो हैं, जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं वो एक्यूरेसी के साथ, बहुत ज़्यादा हाईली एक्यूरेसी के साथ जो है प्रोडक्ट डेवलप कर पाएंगे. हाउ टू सिटी यूजेस 5G? 5G जो है स्मार्ट सिटी जो है वो आपको बनाने के लिए जो है 5G नेटवर्क, जैसे आप अगर सिटी में हैं तो आप ड्राइवरलेस कार यूज कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने सिटी को स्मार्ट बना सकते हैं. तो स्मार्ट सिटी डेवलप करने में जो है 5G टेक्नोलॉजी का बहुत है. डू आई नीड ए न्यू आईफोन? हाँ, नया फ़ोन तो हमें लेना ही पड़ेगा, कुछ खर्चे भी हो जाएंगे अगर 5G लॉन्च होता है तो. एंड आई होप कि जो है क्वालकॉम की कॉन्फ्रेंस चल रही है वो 5G मोबाइल फ़ोन जो है वो 5G प्रोसेसर बनाने के लिए जो है आज कॉन्फ्रेंस चल रही है, कल भी थी, उसमें नई चीज़ें निकल के आई हैं कि एयरटेल के साथ मिलके जो है वो इंडिया में 5G की टेस्टिंग करेगा और नए मोबाइल फ़ोन्स भी मार्केट में आ गए हैं 5G के. तो अभी आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जब 5G इंडिया में आ जाएगा तब आप खरीदिएगा. कॉस्ट भी आप इसकी काफ़ी महंगी होने वाली है. कॉस्ट की अगर बात करें तो 4G से तो ऑब्वियसली बात है महंगा होने वाला है क्योंकि नंबर्स ऑफ एंटीना जो है वो यूज़ करने पड़ेंगे हमें. कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आने वाली है ऑपरेटर की तरफ से भी और हमें यूज़ करने के लिए. अगर कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो हमें, हमसे ही पैसा लिया जाएगा. तो आई होप कि मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर मैंने क्लियर करी है. आई होप किसी को अगर कोई डाउट हो या कोई और नई चीज़ें देखना हो तो यू कैन गो फॉर दीज रेफरेंसेस. एंड लास्ट में जो सबसे लास्ट वाला है दैट यू कैन गो फॉर क्वालकॉम सबमिट 5G दैट इज़ हेल्ड इन 19 and 20 मई. ऑनलाइन ही ये सबमिट हो रहा है, आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सत्यम जी, दैट वाज अ वंडरफुल सेशन. आपने बहुत डिटेल में काफी चीजें बताई. यस. एंड नाउ एनीबॉडी विद एनी क्वेरी, कोई भी सवाल कोई पूछना चाहे तो यू कैन टाइप इन द चैट एंड देन वी कैन See, there's a very interesting question. 5G पे अतुल शर्मा is asking कि 5G का effect human health पे कैसे होता है? So this is Atul. We in fact I and Shaheen Jahan from Aligarh, we have prepared a separate presentation 5G in health care जो हम लोग बताएंगे. आप शायद इस सवाल के दो मतलब हो सकते हैं. पहला मतलब हो सकता है कि 5G टेक्नोलॉजी से ह्यूमन बीइंग पे कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, आप शायद ये समझ सकते हैं कि इसके सिग्नल से उससे. दूसरा हो सकता है कि 5G से ह्यूमन हेल्थ कैसे बेनिफिट हो सकती है.
तो मैं बेनिफिट वाली बात बताता हूँ, इस पे जो एडवर्स इफेक्ट है ये सत्यम और कप्तान जी बता देंगे। जो बेनिफिट्स है, क्योंकि 5G में लेटेंसी बहुत कम है तो इसमें काफी सारा प्रोसेस ऑटोमेट हो सकता है। अभी तक काफी सारे प्रोसेस है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू, हॉस्पिटल्स और काफी जगह प्रोसेस ऑटोमेट इसलिए नहीं हो पाता है कि लेटेंसी रेट हाई होता है। जब लेटेंसी रेट कम हो, मतलब कोई चीज हो उसका तुरंत ही रिस्पॉन्स हो जाए, तो बहुत सारी जगह बेनिफिट उठाया जा सकता है। वेरेबल डिवाइसेस आ सकते हैं, आईसीयू की रिक्वायरमेंट कम हो सकती है, घर पे आईसीयू बनाया जा सकता है जो कि कॉस्ट कम करेगा। बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे नए बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग रोल आता है इंजीनियर्स का। आजकल मेडिकल में ज्यादातर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इंजीनियरिंग रिलेटेड हो रहा है, नए इक्विपमेंट्स बन रहे हैं जो इंजीनियरिंग रिलेटेड हैं। सो मेडिकल इज अगेन अ पार्ट जहाँ पे इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर हम इस पे, आप स्टूडेंट्स कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएं, कुछ इस एंगल पे सोचें, तो इससे रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप भी, दैट इज समथिंग अगेन यू कैन हैव अ स्टार्टअप ऑन दिस लाइंस, कि प्रोडक्ट्स इससे रिलेटेड, इंजीनियरिंग रिलेटेड जो हेल्थ से रिलेटेड हो, वेयरेबल डिवाइसेस के थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, आज के डेट में घड़ी के थ्रू नई, जब से ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल की प्रॉब्लम आई, आज के डेट में माइक्रोटेक तक के ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर्स बहुत कॉस्टली मिल रहे हैं, घड़ियों में अटैच होके आने लगा। तो ये बहुत, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एक बार वो डिवाइस आप यूज कर सकते हैं तो आप उससे रिलेटेड बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। तो दैट इज, एंड आई विल कवर इट इन डिटेल मे बी समवेयर इन नेक्स्ट वीक, थोड़ा सा और चीजों पे। तो आई एंड शाहीन जान, वी हैव प्रिपेयर्ड वन थिंग, आई कैन सेंड यू द साइट एड्रेस, वरना हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। सत्यम या कप्तान, कैन यू इलैबोरेट ऑन दिस पार्ट कि 5G से क्या ह्यूमन हेल्थ पे कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, कोई घाटा या सिग्नल से कोई ऐसी चीज? सर, दो चीजें होती हैं इसमें। फ्रीक्वेंसी रेंजेस में अगर मैं बात करूं तो दो टाइप की फ्रीक्वेंसी रेंजेस होती हैं, एक होता है आयोनाइज फ्रीक्वेंसी और दूसरा होता है नॉन आयोनाइज फ्रीक्वेंसी। तो नॉन आयोनाइज फ्रीक्वेंसी 0 to 300 GHz तक की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नॉन, उससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो होती है नॉन आयोनाइज। और जो आयोनाइज फ्रीक्वेंसी होती है जिसके अंदर हमारी एक्सरे आती है और जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन होता है उनकी जो फ्रीक्वेंसी निकलती है, वो सारी फ्रिक्वेंसी जो होती हैं वो आती है आयोनाइज फ्रिक्वेंसी के लिए। तो आप जानते हैं कि अगर रेडिएशन की वजह से अगर कोई फ्रिक्वेंसी निकल रही है तो हमारे हेल्थ के लिए क्या हार्मफुल होती है। जो नॉन आयोनाइज फ्रिक्वेंसी होती है जिसमें हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो ये जो फ्रिक्वेंसी रेंजेस हम यूज करते हैं अगर इनसे कोई रेडिएशन होता है, जो फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है, तो उससे हमारे हेल्थ केयर पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। और मैं कोई अभी इसमें कोई मतलब इतना रिसर्च नहीं जो है हुआ है, रिसर्च अभी चल रहा है और इसके जो इफेक्ट हैं एडवर्स इफेक्ट ये अभी देखने को नहीं मिलेंगे। मे भी जो है इसके लिए 30-40 साल का वेट करना पड़ेगा कि हमारे क्या इफेक्ट पड़े। दूसरी चीज़ हमारे हेल्थ केयर पे कि अगर ये जो नई टेक्नोलॉजीज हैं अगर आप मैसिव यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी आईज जो है वो 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे सोने के लिए बनी है, अगर आप नहीं सोते हैं, आप मोबाइल में लगे रहते हैं क्योंकि आपको अच्छा डेटा रेट मिल रहा है, अब बहुत सारी चीजें जो है वो कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है आपके हेल्थ केयर पे थोड़ा बहुत इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आई होप कि जो है अगर इन फ्रिक्वेंसीज में हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है तो हमारे हेल्थ केयर पे जिस तरीके की बातें चल रही हैं उस तरीके का इफेक्ट। दूसरा डाउट ये आ सकता है कि क्या कोरोना इससे हो रहा है। अभी रिसेंट में बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे कि क्या कोरोना इसकी वजह से हो रहा है 5G टेस्टिंग की वजह से। तो अभी कल की न्यूज है, WTO ने भी क्लेरिफाई कर दिया है कि कोरोना वोरोना नहीं हो रहा है 5G की टेस्टिंग की वजह से। अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने भी एडवाइजरी जारी करी है कि ये जितनी फेक न्यूज है इन्हें वेबसाइट से या सोशल मीडिया से हटाया जाए। तो इस तरीके के फेक न्यूज बहुत तेजी से वायरल होते हैं, इस तरीके का कुछ नहीं हो रहा है। और 5G जो है टेक्नोलॉजी बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सत्यम, यू क्लैरिफाइड थिंग्स। सी देयर इज वन, इंग्लैंड में एक मूवमेंट चल रहा था जिसको ल्यूडाइट मूवमेंट बोलते हैं, आप इसको सर्च मार सकते हैं गूगल में। जब नया इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, पावर लूम्स आए थे और कार आई थी, तो जो घोड़ा चलाते थे उन्होंने उसके अगेंस्ट मूवमेंट करा, घोड़ा गाड़ी वालों ने, उसको ल्यूडाइट मूवमेंट बोलते हैं। तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसके अगेंस्ट मूवमेंट होता है। एंड इसमें ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी से थोड़े घाटे भी होते हैं। जब कंप्यूटर आया तो हम लोग कंप्यूटर के सामने बैठने लगे, तो घाटा तो है थोड़ा सा, लेकिन बैलेंसिंग आउट होती है कि उससे फायदे कितने हैं। तो 5G से जो बेनिफिट्स हैं वो अभी कहीं ज्यादा दिख रहे हैं, और जो लॉसेस हैं या जो घाटे हैं अभी उसके बारे में बहुत स्टडी नहीं हुई है या सामने नहीं आया, या अभी इट इज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट वाली बात है।
There are few other questions, Satyam, बहुत interesting questions हैं कि 5G से हम लोग के employment पे क्या फर्क पड़ेगा? See, again, employment पे फर्क तो इसलिए पड़ेगा कि technology का use ज्यादा जहां होने लगता है, वहां पे technology से जितने लोग जुड़े होते हैं, उनके पास employment का scope बढ़ जाता है। तो अगर नए apps बनेंगे, नए devices बनेंगे, जहां पे नहीं use होता था, आपके hospital से लेके आपका manufacturing plants तक, आपका हर जगह सामान रखने से लेके सामान की सप्लाई यूनिट तक, हर जगह अगर टेक्नोलॉजी और यूज होने लगेगी तो जॉब पे इफेक्ट जो आएगा वो एक इंजीनियर के लिए पॉजिटिव आएगा, एक नॉन इंजीनियर नॉन टेक्नोलॉजी वाले के लिए शायद नेगेटिव हो। लेकिन इट इज वेरी अर्ली टू प्रेडिक्ट। जब नया कोई चीज आती है तो नई टेक्नोलॉजीज के थ्रू नए जॉब्स भी क्रिएट होते हैं। जब पावर लूम आई तो ऐसा नहीं है, हथकरघा वाले जो थे उनका काम कम हो गया, लेकिन बाकी नए ऑप्शंस आ गए, नई चीजें आ गई। जब ट्रेन आई या कार आई तो अगेन जो घोड़ा गाड़ी चलाते थे उनकी तो जरूरत कम हो गई, लेकिन लोगों ने अपने आप को चेंज कर लिया। तो आप अगर अपने आप को चेंज कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली अकोमोडेट कर सकते हैं। अब यू जस्ट टेक केयर कि आप घोड़ा गाड़ी चलाने वाले हो तो आप अपने आप को कार चलाना सीख सकते हैं। अगर आप घोड़ा है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है, फिर आप कार में क्या करेंगे, दैट बिकम्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। देयर इज अनदर क्वेश्चन, 5G के सिक्योरिटी इश्यूज। तो आई थिंक सो 5G का बैंडविड्थ ज्यादा होने के कारण सिक्योरिटी इश्यूज कम है, इंक्रिप्शन रेट काफी हाई है, तो कायदे से सिक्योरिटी बेटर होनी चाहिए अगर आप 5G टेक्नोलॉजी की बात करें। अब 5G के कारण जहां जहां इस्तेमाल हो रहा है, अगर वहां पे इंक्रिप्शन प्रॉपर नहीं है, हम दो तरीके की सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एक आती है कि जो टोटल नेटवर्क है, एक जगह से दूसरी जगह डेटा जा रहा है, उसको बीच में आप कितना हैक कर सकते हैं। दूसरा है कि आपका डिवाइस जो अभी तक ऑनलाइन नहीं था, अब वो ऑनलाइन आ गया है, तो क्या आप उसको हैक कर सकते हैं। तो 5G में नेटवर्क सिक्योरिटी हाई है। अब अगेन डिवाइसेस और ज्यादा आ जाएंगे तो उनको उनकी सिक्योरिटी तो इंडिविजुअल डिवाइस पे डिपेंड करेगी, वो एक अलग फैक्टर रहेगा। बर्ड्स एंड मैमल्स पे जैसा सत्यम जी ने बताया, अभी कोई ऐसी स्टडी नहीं आई है, ऐसी कोई चीज है नहीं। आप कुछ और बताना चाहो सत्यम, या कोई और कुछ बोलना चाहे, कोई और कुछ भी बताना चाहे तो यू आर फ्री, यू कैन इनफैक्ट अनम्यूट योरसेल्फ, आप कर सकते हैं अपने आप को, अगर कुछ बताना चाहें, कुछ बोलना चाहें तो यू आर वेलकम, अदरवाइज वी विल एंड द लेक्चर। अगर किसी का कोई और कोई क्वेरी हो, डाउट हो तो पूछ सकता है। Satyam, somebody is asking कि 5G is costly than 4G. See, Satyam ने अभी बोला भी कि 4G पे जब additions होंगे तो costly होगा, लेकिन ऐसे सीधे सीधे costly बोलना गलत चीज होगी, काफी सारे additional benefits होंगे। तो cost जो है वो अगर आप देखें, 3G में हम लोग की जो mobile cost थी उससे 4G सस्ता था, लेकिन वो अलग business economy भी थी। आज की डेट में इसमें बिजनेस कितने लोग यूज कर रहे हैं, बैंडविड्थ कंपनी की क्या इकोनॉमिक हेल्थ है, इससे भी फर्क पड़ता है। डेफिनेटली कॉस्ट थोड़ी सी हाई आएगी, लेकिन बेनिफिट होना चाहिए। अब ये लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है, इस समय तीन कंपनीज बची हैं इंडिया में, तो इन तीनों कंपनीज की आपस में क्या कैसे होता है, चार हैं डेफिनेटली, BSNL, लेकिन BSNL तो अभी तक 4G भी लॉन्च नहीं कर पाया। 5G in education system, see 4G in education system अगर आप पूछिए तो it is very, जब 4G आ रहा था ये debates हो रहे थे, लोगों ने कहा कि education system में क्या benefit होगा। आज हम और आप सामने बैठ के बात कर रहे हैं, ये 4G technology है। तो अगर technology नहीं आती है तो उससे benefits definitely आते हैं, 5G से बहुत benefits होंगे individual। कल रेहान जी ने blockchain पे काफी कुछ बताया था, blockchain का use आसानी से start हो जाएगा, student record रखने लगेंगे, artificial intelligence और cloud इन सब का use बहुत आसान हो जाएगा, and काफी सारी जो technologies हैं वो 5G और AI मिलके बनी है। जैसे cloud computing में भी 5G और AI का बहुत extensive use होता है, blockchain में भी 5G के through हो सकता है, इन सारी technologies में benefit होने लगेगा। कप्तान जी, आप आंसर करेंगे इसका, लेटेंसी वाले का? आवाज आ रही मेरी? आ रही है, आ रही है। आप और सत्यम एक ही जगह है तो आवाज एक बोलता है तो दूसरे की, तो एक बोले तो दूसरा म्यूट कर ले। ओके, पहले सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना है कि लेटेंसी होता क्या है। तो लेटेंसी क्या होता है कि ये जब आप कुछ भी नेट पे सर्च करते हैं, सपोज
गूगल क्रोम पे आपने कुछ सर्च किया तो कितनी देर बाद आपको रिजल्ट दे रहा है, यानी रिस्पांस टाइम। तो अगर किसी टेक्नोलॉजी में लेटेंसी लो है तो ये बहुत ही बेनिफिट्स है हमारे लिए। जैसा भी थोड़ी देर पहले सत्यम जी बात कर रहे थे कि कार की सेल्फ ड्राइविंग कार, उसमें बहुत सारे सेंसर्स होंगे, तो अगर लेटेंसी वहाँ पे ज़्यादा रहेगी तो जो उसका रिस्पांस टाइम होगा वो लेट होगा। तो सपोज रेट आपको मुड़ना है लेफ्ट 5 मीटर पे, तो वो हो सकता है कि 10 मीटर पे लेफ्ट मुड़ने लगे। तो लेटेंसी अगर कम है तो ये बहुत बेनिफिट्स है, इससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं, उसका रिस्पांस टाइम तुरंत है। आई थिंक शायद सर ने भी इसको कुछ दिन पहले बताया था कि जो 5G की लेटेंसी है वो ह्यूमन के माइंड से भी कम होगी। मीन्स जितनी देर में आप कोई डिसीजन लेते हैं, आपका माइंड कैलकुलेट करके अपना डिसीजन देता है, अपना रिस्पांस देता है, उससे कहीं ज़्यादा तेज रिस्पांस आपको 5G टेक्नोलॉजी में मिलेगी। तो लो लेटेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर हम IoT यूज़ कर रहे हैं या सेल्फ ड्राइविंग कार यूज़ कर रहे हैं या कोई भी आप चीज़ ऑटोमेट कर रहे हैं, तो लो लेटेंसी ये हर जगह ज़रूरी है। तो 4G से लेटेंसी 5G में ऑलमोस्ट बहुत कम है। अभी सत्यम जी ने बताया था कि 4G में 10 मिली सेकेंड है और 5G में 1 to 2 मिली सेकेंड होगी। थैंक यू कप्तान जी, आपने एलैबोरेट करा। देयर इज अ क्वेश्चन कि 5G रेडिएशन इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन डेथ हो रही है। सो आई मस्ट टेल यू कि हम लोग साइंस के ग्रेजुएट्स हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं। हम लोग को जो सूडो साइंस है, जिसको अंधविश्वास बोलते हैं, या अंधविश्वास से अलावा भी, शायद ये अंधविश्वास नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई गलत खबर है उस पर तुरंत यकीन नहीं कर लेना चाहिए। सर, इस पर मैं सर एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो लोग ये रूमर्स हैं, ये क्या है कि इसका ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट क्या हो रहा है। थोड़ा सा अभी सत्यम जी ने बताया था, थोड़ा सा मैं उसमें ओवरराइड करना चाहूँगा। होता क्या है कि देखिए, 5G में जो इसकी फ्रिक्वेंसी वो बहुत ज़्यादा है, तो 5G का जो इफेक्ट होगा हमारी हेल्थ पे वो केवल इतना होगा कि 5G के टावर्स बहुत ज़्यादा लगेंगे। बहुत ज़्यादा लगने की वजह से डेफिनेटली रेडिएशन बढ़ेगा, तो थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। अब अगर ज्यादा, एंड यू नो, अभी तो 5G इंडिया में ऑफिशियली ढंग से लॉन्च ही नहीं हुआ है। मासेस में जो लॉन्च हुआ है वो बहुत ही लिमिटेड, साउथ कोरिया में कुछ जगह पे और यूरोप के कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में, वेस्टर्न यूरोप के और US के कुछ सेक्टर्स में हुआ है। तो अभी जब लॉन्च ही नहीं हुआ है तो डेथ कहाँ से हो जाएगी? एंड अभी इट इज टू अर्ली इंडिया में सर, अभी तो टेस्ट चल रहा है, अभी तो लॉन्च भी नहीं हुआ है कहीं पर, डेथ कैसे हो रही है 5G की वजह से? ये है नहीं, 7G 6G अभी कहीं लॉन्च नहीं हुआ है, ये अभी मोर ऑफ थियोरेटिक डिस्कशन है, एकेडमिक डिस्कशन है। ये लोग बोल देते हैं कि 7G और 6G 8G चल रहा है बाकी देशों में, अभी ऐसा हुआ नहीं है, अभी 6G 7G चल नहीं रहा है कहीं पे एज पर माय नॉलेज। सी, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 5G कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज करेगा या कम करेगा। अब कार्बन फुटप्रिंट जो है वो नेटवर्क के कारण नहीं होता है, नेटवर्क उसका एक फैक्टर है, उसके अलावा बहुत सारी और चीजों के कारण भी होता है। अब अगेन, अगर 5G के कारण, यू जस्ट इमेजिन कि 5G के कारण अगर हमारा आज गूगल का, मैंने एक आपको व्हाट्सएप भेजा हुआ है, गूगल ने अभी मीटिंग कर रहा है, होलोग्राम के थ्रू वो वर्चुअल मीटिंग्स करेंगे। अगर 5G टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाती है कि 5G प्लस वर्चुअल रियलिटी यूज करके लोग ट्रैवल कम करते हैं, तो उससे तो ग्लोबल फुटप्रिंट कम हुआ। सो अगेन, एक टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आ रहा है, ये लॉन्ग टर्म स्टडी है। कई टेक्नोलॉजीज का जो इम्पैक्ट है वो बहुत अलग अलग सेक्टर्स में आता है। हो सकता है उससे शिपिंग में कुछ फर्क पड़ रहा हो, उससे ओवरऑल ट्रैवलिंग में फर्क पड़ रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में फर्क पड़ रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग में जो चीज एक सामान बनाने में 10 यूनिट बिजली की खर्च हो रही थी, इसको यूज करके वो केवल 5 यूनिट में बनने लगा। अगर ऐसा होने लगा तो कार्बन फुटप्रिंट्स घटेंगे। तो अगेन, लेकिन दिस इज अ वेरी सीरियस स्टडी, इसको एब्सोल्यूट यस या नो में बोल देना बहुत मुश्किल है कि 5G कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा देगा। ज्यादातर स्टडीज तो ये कह रही है कार्बन फुटप्रिंट घटाएगा, ऑटोमेट होगा, कार्बन फुटप्रिंट घटेगा, लेकिन अगेन इट विल बी अ लॉन्ग टर्म डिबेट। ऐसे शायद तुरंत बता देना बहुत अच्छा नहीं होगा, साइंटिफिकली बता देना। 5G इज बैंड इन चाइना ड्यू टू सिक्योरिटी होल्स।
5G is not banned in China. In fact, China की Huawei जो है, वो तो पूरी दुनिया में 5G बना के हर तरफ बेचने की कोशिश कर रही है. Huawei को ban करा है. Huawei को basically Canada से start हुआ था. Canada में Huawei के CEO को उन्होंने arrest कर लिया था. और फिर US ने वो basically वो मुकदमा करा था, जिसपे Canada ने arrest हुआ था. तो US का ये कहना है कि Huawei जो है, वो data जो है, personal data, वो Chinese government को share कर देता है. चाइनीज गवर्नमेंट का हुआ ही में चाइना में ज्यादातर कॉर्पोरेशंस में गवर्नमेंट का हिस्सेदारी है, जैसे कि रशिया में भी है. तो देयर इज अ वेरी बिग स्पेकुलेशन कि हुआ ही जो है, वो अपना डेटा या जो भी गैदर कर रहा है वो चाइनीज गवर्नमेंट को शेयर कर देता है. तो 5G की टेक्नोलॉजीज में कई यूरोपियन नेशंस ने और इंडिया ने भी अभी हुआई को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया. तो हुआई का पार्टिसिपेशन, हुआई इज अगेन अ चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन, चाइनीज कंपनी जो चाइना के बिहाफ पे 5G बना रही है, 5G डिस्ट्रीब्यूट कर रही है. वर्ल्ड की कुछ बड़ी कंपनीज है जो 5G में एक्टिव रोल कर रही है, नोकिया है, अल्स्ट्रॉम है, कुछ और है. वैसे ही चाइना की हुआई है, इसको बैन करा है. चाइना में बैन नहीं हुआ है, और हुआई इज वन कंपनी. आई डोंट नो, चाइना की कुछ और कंपनीज हैं. Xiaomi को भी अलाउ कर दिया गया. अभी Xiaomi को 5G में नहीं करा गया, Xiaomi के मोबाइल फोन्स होते हैं, लेकिन उसको पहले डिबार करा था, अभी अलाउ कर दिया. That is a thing. 5G में सिक्योरिटी ऑप्शन तो है, मतलब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई कंपनी जो है फॉरेन की है, वो 5G हमारे यहाँ किसी शहर में किसी सिटी में सेटअप करती है, और उसका हम लोग नेटवर्क यूज करते हैं और स्मार्ट सिटी प्रिफर करते हैं, तो उसके पास एक पूरा ऑप्शन है कि वो डेटा लेकर पूरा सिटी को कोलैप्स कर सकती है. मतलब मेन इशू तो सिक्योरिटी का वहाँ पे है कि जिस कंपनी का हम 5G नेटवर्क यूज कर रहे हैं, अगर वो डेटा लीक ना करे तो, अगर वो डेटा लीक करते थे तो काफी कुछ उसके हाथ में होगा. लेकिन कंपनीज का अपना स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कंपनीज का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, कहीं किसी कंपनी पे एक बार बात आ जाए तो पूरी पूरी कंपनी बंद हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी. इसलिए कंपनीज काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करती हैं, जो नॉर्मली होता है. लेकिन अगेन इसमें कई बार रशियन कुछ कंपनीज है जिनका नाम कई बार आया है, चाइनीज कंपनीज का आया है. तो दिस इज समथिंग कंपनी वाइज हम लोग को देखना पड़ेगा. 5G will affect our economy in many ways. हर जगह, हर सेक्टर में इसका यूज होगा. अगर इसका यूज होगा जैसे, तो हर जगह मैन्युफैक्चरिंग, हम लोगों ने कुछ पर्टिकुलर एरियाज कवर करे थे, सत्यम ने भी कवर करे थे, मैन्युफैक्चरिंग में इसका काफी काम होगा, एजुकेशन में होगा, हेल्थ केयर में होगा, एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजें होंगी. तो जब कहीं भी कुछ नया होता है तो उससे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ता है. होपफुली वो इम्पैक्ट पॉजिटिव हो, पॉजिटिव ही होना चाहिए. 4G में भी सारी इफेक्ट हुआ था, उसकी वजह से बहुत सारे स्मार्टफोन्स इंडस्ट्री को काफी बेनिफिट्स हुआ था. एंड जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं उनके लिए तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा, उनके लिए तो फायदा है. तो आप लोग 5G सीखें, नई टेक्नोलॉजी सीखें, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएं, क्लास में अटेंडेंस अच्छी दें, फीस तुरंत जमा करें, इन सबसे सबका बेनिफिट है. सो आई थिंक सत्यम वी शुड कंक्लूड इट. That was a nice lecture. Industry Revolution 4.0 I'll be covering next week. तो उसमें मैं आपको डिटेल में next week में कवर करूंगा कि इंडस्ट्री 4.0 में क्या हो रहा है. गरीब और इलिटरेट लोग, देखिए इलिटरेट लोग अगेन, भूमिका दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जो इलिटरेट लोग थे, जो लोग आज के 15 साल पहले क्रेडिट कार्ड जो था वो बड़ा ही सिलेक्टिव हाई प्रीमियम था, बहुत कम लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते थे. अगर आप अमीर थे, आपका बहुत अच्छा बैंक बैलेंस था, बैंक के HNI कस्टमर थे, तो आपका क्रेडिट कार्ड था. आज की डेट में आप चले जाओ तो मोस्ट प्रॉब्ली जो आपका ई रिक्शा पुलर है उसके पास भी गूगल पे का ऑप्शन होता है या पेटीएम लेके बैठा हुआ है. तो अब ये गरीब आदमी के ऊपर फायदा हुआ, ये उसको एक बेनिफिट मिला टेक्नोलॉजी का. डेफिनेटली आज की डेट में एक नॉर्मल आदमी भी वीडियो कॉल कर ले रहा है, हम सारे ही लोग बात कर रहे हैं. आज के 6 साल पहले ये बड़ी ही सेलेक्टिव चीज थी. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में अलग से रूम्स होते थे, सर्वर रूम. मैं 2-4 जगह वीडियो कॉल्स में गया तो अलग अलग से एकदम पूरा सेटअप रहता था. आज की डेट में इट हैज बिकम समथिंग वेरी ओपन. तो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आता है वो ये आता है कि वो सबके लिए ओपन हो जाती है. दिस इज अ बेनिफिट ऑफ ईच एंड एवरी टेक्नोलॉजी. जो चीज पहले सिलेक्टेड लोगों के बेनिफिट के लिए थी वो बाद में सबको मिलने लगती है. अभी सिलेक्टेड लोग ड्राइवरलेस कार चला रहे हैं, कुछ साल पहले तक सिलेक्टेड लोग टीवी के सिलेक्टेड प्रोग्राम्स देख रहे थे, आज की डेट में कोई भी देख सकता है. तमाम सारे चैनल्स ओपन हो गए, OTT पे आ गया है. सो आई एम श्योर कि 5G से और जो होगा
वो गरीब का बेनिफिट होगा। यहाँ पे गरीब इलिटरेट आप बोल रहे हो, अगेन इलिटरेट लोग जिसके पास, इलिटरेट का मतलब जो हो सकता है बहुत अच्छी इंग्लिश ना जानता हो, आज की डेट में वो व्हाट्सएप में हिंदी में टाइप कर लेता है, मोबाइल में हिंदी में टाइप कर लेता है, हिंदी में बोल देता है, स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन हो जाता है, आप बोलो टाइप हो जाएगा। तो ये एक बेनिफिट हुआ है इलिटरेट का। इसी तरह 5G के कारण जब हर जगह यूज होने लगेगी टेक्नोलॉजी तो सबका बेनिफिट होगा। सो दैट इज देयर। कॉस्टली एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, कॉस्टली कहाँ होगी, एजुकेशन तो सस्ती हो जाएगी अगर हर चीजें सारी वो होंगी। चलिए ठीक है, देयर आर फ्यू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आल्सो, इट इज ऑलवेज गुड टू हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। यू कैन सेंड मी कि 7G और 6G नॉर्वे में 4G 5G कब था, कहाँ पे, हंगरी में लास्ट ईयर गया था, हंगरी में 5G लास्ट टू लास्ट ईयर, तो वहां पे 5G अभी सेटअप आया था, 6G 7G नहीं था हंगरी का, आई कैन टेल यू। नॉर्वे में डेफिनेटली काफी काम होता है, नॉर्वे की नोकिया है तो काफी काम होता है। अगर आपको कहीं पे आपके पास रिकॉर्ड है तो यू कैन से, एंड परहैप्स आप भी एक दिन गेस्ट लेक्चर ले सकते हैं 6G और 7G में क्या चेंजेस आ रहे हैं इस पे। एवरीबॉडी इज वेलकम, देर इज नो कॉपीराइट, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल मुझे मालूम है या किसी और को मालूम है, तमाम सारी चीजें हो सकता है जो आपको मालूम हो। It is always good कि आप किसी दिन सामने आइए and बताइए हम लोगों को। So I think so we should conclude the meeting. Thank you for attending, everybody. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir.